16 जिलों में होगी प्रधानमंत्री आवास एवं मनरेगा की जांच। गड़बड़ी की शिकायतों पर ग्राम विकास आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश। 13 नवंबर तक अफसरों से मांगी गई बिंदुवार जांच रिपोर्ट। गोंडा में सामने आई थी धांधली, दर्ज हुआ था मुकदमा। इन जिलों में होगी पड़ताल। ये जांच गोंडा, सीतापुर, हरदोई, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर बस्ती, गाजीपुर, कुशीनगर, खीरी, इलाहाबाद, कानपुर देहात, आजमगढ़ व मिर्जापुर जिले में कराई जाएगी। वरुण यादव, संवाददाता, गोंडा से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास व मनरेगा योजना की गोंडा समेत 16 जिलों में जांच कराई जाएगी। गड़बड़ी की शिकायतों के चलते ग्राम विकास आयुक्त ने जिलेवार जेडीसी और डिप्टी कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। नामित अफसर विकास भवन के साथ ही जिले के दो दो ग्राम पंचायतों का भी सत्यापन करेंगे। 13 नवंबर तक बिंदुवार रिपोर्ट मांगी गई है। ग्राम विकास विभाग गाँव में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही बेघर परिवार को छत मुहैया कराने के लिए योजनाएं चला रहा है। प्रशासन की जांच के दौरान गोंडा जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मृतकों के नाम से बैंक खाता खुलवाकर आवास देने के साथ ही गैर प्रांत में रहने वालों को भी लाभ देने का खुलासा हुआ था। मामले में 36 लोगों पर FIR के साथ ही ADO पंचायत समेत 5 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए थे। मनरेगा योजना के तहत भी बिना कार्य कराए भुगतान का खुलासा हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में पात्रों को आवास न मिलने से गोंडा जिले में 1000 से अधिक आवास का लक्ष्य रेंडर कर दिया गया था। जिलेवार जांच की जिम्मेदारी संयुक्त विकास आयुक्त व उपायुक्त को सौंपी गई है। नामित अधिकारी संबंधित जिले में लाभार्थी की पात्रता, आवास निर्माण गुणवत्ता मानक के साथ ही सबसे ज्यादा लक्ष्य समर्पण करने वाली दो ग्राम पंचायतों का दौरा करेंगे। इसके अतिरिक्त मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन परियोजनाओं की स्थिति, भुगतान के साथ ही कार्य की गुणवत्ता पड़ताल होगी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए तैयार किए गए प्लान की समीक्षा होगी। ग्राम विकास आयुक्त पार्थसारथी सेन शर्मा ने नामित अधिकारियों से 13 नवंबर तक जांच रिपोर्ट मांगी है। DM JB सिंह महोदय ने जांच के लिए सहयोग के निर्देश CDO को दिए हैं। 50 अधिकारी CDO की को गांव की देंगे रिपोर्ट। संवाददाता बाराबंकी से प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जांच में एक बार फिर 50 अधिकारियों को जांच सौंप दी है। यह अधिकारी रैंडम आधार पर गांव की जांच गांव को चिन्हित कर जांच कर रिपोर्ट CDO को देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिए जाने के बंदरबांट को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने जिला स्तरीय 50 अधिकारियों को जांच सौंपी है। इस जांच को लेकर ग्राम पंचायतों में हड़कंप मचा है। 2017-18 में 13,985 प्रधानमंत्री आवास दिए गए थे, वही 2017-18 में 6,000 आवास दिए जा चुके हैं। पहली किस्त में 40,000 और दूसरी किस्त में 70,000 रुपए लाभार्थी के खाते में भेजा गया है। CDO अंजनी कुमार ने सिंह ने बताया कि अधिकारी दो दो गांवों की जांच करेंगे, जांच कर देखेंगे कि आवास कितना पूर्ण हो चुका है और लाभार्थी से कहीं वसूली तो नहीं हुई है। जांच में ये भी देखा जाएगा कि आवास पूर्ण हो गया है। यदि आवास पूर्ण हो गया तो वहाँ पर अनियमितता मानी जाएगी। सॉरी, यदि आवास पूर्ण नहीं हुआ है तो वहाँ पर अनियमितता मानी जाएगी। जिला स्तरीय जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला उद्यान अधिकारी सहित 50 अफसर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आवास आवंटन के दौरान CDO ने 103 गांवों की जांच कराई थी, जिसमें 64 पात्रों को आवास आवंटित किया गया सामने आया था। एक बार फिर CDO ने जांच करानी शुरू कर दी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम आगे भी इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय ग्राम रोजगार सेवा।